हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आई होप कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और आप देख रहे हैं सिर्फ पहाड़। आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे सगाई की लकड़ियाँ फाड़ने जाना है। और एक भाई जी हैं, उनकी सगाई है, मुझे पता नहीं कब है, बट लकड़ियाँ फाड़ने जाना है। एंड जहाँ मैं लकड़ियाँ फाड़ने जा रहा हूँ, वहाँ सबसे बेसिक चीज़ यानी पानी के डिब्बे ले जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पानी वहाँ से काफ़ी दूर है। तो दो दो डिब्बे मैंने साथ में रखे हैं, देख लो भरे हैं, आप इनको खाली मत समझना, तो भरे हैं। तो गाइस, फाइनली हम लकड़ियाँ फाड़ के घर आ चुके हैं। फिलहाल तो मैं ऐसे ही बैठ रखा हूँ। एंड आज हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया दोस्तों, फिर ज़्यादा हार्ड वर्क किया। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी टफ होता है। पहाड़ों का जीवन, जो लोग गाँव में रहते हैं, गाँव का जीवन काफ़ी टफ होता है। तो जानी अच्छा, तो अचानक मुझे मेरी माँ मिल गई है और मेरी माँ घास के लिए जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। पहाड़ों का जीवन काफ़ी टफ होता है और जो लोग गांव में भी रहते हैं, काफ़ी टफ होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं दोस्तों। हम तो हार्ड वर्क डेली करते हैं, कई प्रकार के प्रॉब्लम फेस डेली करते हैं। सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले लोग और गाँव में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कठिन होता है भाई साहब पहाड़ों में रहना। गाय का कमेंट में बताना कि आप पहाड़ों से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। बोल बोल तू जानी ना ना गण तुम में नो पहले गण पढ़ना ब्लॉग। ये देखिए गाइस, अपने मुंह पर मास्क लगा रही है, हाथ का मास्क। एंड इसके पीठ में आपको स्वेटर दिख रहा होगा, इसको हमारे यहाँ स्वेटर कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताना। एंड है तो हाँ ठीक। तो वो सिस्टर बोल रही है कि पता नहीं क्या बोल रही है कि मेरा स्टेटस लगाना, मुझे भी समझ में नहीं आया उसने बोला क्या है। तो ये बच्चा पता नहीं क्या बोल रहा है और कुछ बोलने वाला था, तभी वो सिस्टर आ गई, घास के लिए जा रही है वो। और दूसरी सिस्टर भी शायद आ गई, मुझे लगता है आज मैं नहीं बोल पाऊँगा। आपको मेरे साथ ही छोटे बच्चे दिख रहे होंगे, एक ये एंड एक ऊपर भाग गया वो। तो ये ऊपर वाला भी पीछे से हंस रहा था, रोहन हंस रहा भाई, वो ना कैमरे को छुप छुप के देख रहा है और उसके बाद हंस रहा है। दोनों सिस्टर पता नहीं क्या कर रही हैं, आपसी बातें चल रही हैं इनकी। ये उस साइड से आई एंड ये उस साइड घास के लिए जा रही है। फिर इसने क्या कहते हैं उसको, स्पाइडर मैन वाला ऐसा बना दिया, ऐसा जैसा हम बचपन में बनाया करते थे ऐसा ये देखो अभी ये पता क्या बोल रही थी कि मुझे ब्लॉग में ले, अभी बोल रही कि अरे सोने ना गार यानी मत निकाल कहीं नहीं है। तब चन कदा चन कोई गए कौन है? तो मेरे साथ भाई जी भी आ रहे हैं घूमने के लिए, पर चाय की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि जो महिलाएं लकड़ी ला रही है उनके लिए चाय की व्यवस्था है यहाँ पर। बोला उन्होंने तो वो आपको बड़ी वाली केटली दिख रही होगी, उसमें सभी के लिए चाय बनेगी। पंचायत वाली केटली यानी जो पूरे गांव में कार्यक्रम के दौरान यूज की जाती है। फिलहाल तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रखा हूँ। ये देखे कुछ तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं एंड कुछ तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर पकौड़े वगैरह बन गए हैं एंड यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं। एंड ऊपर वाले रूम में डेकोरेशन चल रही भाई। तो ये वो रूम है जहाँ पर डेकोरेशन चल रही है। तो देखिए भाई, देखिए दोस्तों ये वाला है वो रूम। मुझे ब्लॉग बंद लेना, ये पता क्या बोल रहा है कि ब्लॉग बंद कर। तो ब्लॉग बंद क्यों करना भाई, ये तो मेरे पास है यहाँ। और फुल बेस में गाना बजा रखे उन्होंने।
अर्जुन चाहिए।